सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंस बाय विशाल। सो स्टूडेंट, इन टुडे सेशन वी विल टेक इंटरव्यू ऑफ सक्सेस पर्सन मिस्टर अनुराग शंकर सिंह। ही इज क्वालिफाइड यूजीसी जेआरएफ एंड नेट इन एडल्ट एजुकेशन। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वेलकम सर। थैंक यू सो मच विशाल। हेलो एवरीवन। सो सर, स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना बहुत ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कैसे आपका यूजी हुआ, कैसे पीजी हुआ, उसको आप बहुत ब्रीफ में बताइए। मेरा नाम अनुराग शंकर सिंह है और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बलिया से ही हुई है। इसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सुआर्ट्स, जो कि नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें मैंने किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं वाइस चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। और वर्तमान में मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से प्रसार शिक्षा में पीएचडी कर रहा हूँ और अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि हमारे जो भी एक्सटेंशन एमएससी एक्सटेंशन के या पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के स्टूडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बेसिकली, तो वो बेसिकली एसआरए भी नेट देते हैं। बट क्या है कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि यूजीसी नेट में वो एडल्ट एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में देते हैं। तो सर का जैसे कि अभी उन्होंने इस ईयर जो है एडल्ट एजुकेशन में जेआरएफ पर नेट के लिए अप्लाई किया, और सबसे अच्छी मतलब गुड न्यूज़ ये है कि सर का जो है वो जेआरएफ के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एंड नेट के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दिस बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच विशाल। तो यहाँ से मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन सी मैंने बुक्स प्रीफर किया था और कैसे मेरी स्ट्रेटजी रही थी। उसके लिए सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, उसके पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। मेनली जो एग्ज़ाम होता है वो दो पेपर का होता है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के, कोई निगेटिव मार्क नहीं होता, 100 नंबर के होते हैं पेपर वन। और पेपर टू जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, वो 200 नंबर का पेपर होता है। तो अब बात करते हैं कि पेपर वन में बुक्स कौन कौन सी हमको प्रीफर करनी चाहिए। तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आप जैसा कि आप जानते हैं कि वो पेपर वन जो है 10 चैप्टर में डिवाइड दस रहता चैनल में है, डिवाइड। तो आप अलग अलग उसको फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है तो आप केवीएस मदान की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुमार भारत या तलवीर सिंह की यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के लिए आप ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर आर के दोहरे सर और मिस्टर विशाल के द्वारा लिखी गई है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल्स और मॉक को फॉलो कर सकते हैं। रही बात हायर एजुकेशन की एंड इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की, तो उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए आप ट्रेजर ट्रोव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का हायर एजुकेशन चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के लिए जैसे वेद, वेदांत, हेत्वाभास, ये सब के लिए आप रचना मैम के यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने फर्स्ट पेपर का पूरा जो भी पैटर्न है वो आपने बताया, प्लस क्या उसके लिए फॉलो करनी, कौन कौन से बुक लिस्ट या कौन कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में आपने बताया। जिससे क्या है कि जो इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं या एक्सटेंशन बैकग्राउंड के मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या है कि पेपर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है। पेपर सेकंड तो ऊपर ले जाते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट में जो डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनको अगर इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे तो उनका जेआरएफ लग जाता है। अदरवाइज इसमें अगर स्कोर नहीं करेंगे और मीडियम में स्कोर करेंगे तो नेट लगता है। तो आप कैसे बताएं कि इसको क्या है कि अपना वो जो इसमें एक्यूरेसी के साथ अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आप बहुत सिंपल वे में कि कौन से की पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जो भी रिसर्च के कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करिए, बुक से पढ़ के, यूट्यूब वीडियोज देख के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे स्कोरिंग पॉइंट होता है मैथ्स एंड रीजनिंग का, वो पूरे कम्प्लीटली प्रैक्टिस पे आधारित होता है। आप जितना अच्छा उसमें स्कोर भी ज़्यादा हम लोग हाँ कर सकते हैं, जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली 16 नंबर का उसमें सही कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, 249-249 या 299-299 रुपये में टेक्स्ट बुक की मॉक सीरीज आती है पेपर वन के लिए,
जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जितना आप चाहिए, आपको देगी वो एक्यूरेसी होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका उस पर और आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो सर जैसे फर्स्ट पेपर फर्स्ट का हम लोगों ने डिस्कस किया, वैसे पेपर सेकंड का हम लोग डिस्कस करके करते हैं जिसमें सब्जेक्ट के 100% पूछे जाते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, सर आप उसको बताइए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेपर टू जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो पेपर टू जो है वो भी 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, तो यूनिट वाइज आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उसके लिए नोट्स कौन से चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जो उतने रिलेवेंट नहीं है, इसलिए आप मेनली सिलेबस के अकॉर्डिंग इग्नू के नोट्स इग्नू की वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरी एक अभी हाल ही में एक बुक आई है, 3-4 महीने पहले एक बुक आई है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन बाय जीके पब्लिकेशन की, वो उस बुक को डेडिकेटेड टोटली जी हाँ कम्प्लीटली है। और अपार्ट फ्रॉम दिस टू बुक्स आपको मैं प्रीफर करूँगा कि आप ग्लिम्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विच इज रिटन बाय डॉक्टर आर के धोरे सर एंड मिस्टर विशाल, आप उस बुक को फॉलो कीजिए। उस बुक में आपके कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंटल स्कीम के कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड न्यू प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं एंड बुक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सोशियोलॉजी के जो भी थीरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, बिहेवियरिज्म की जो थीरीज हैं, लाइक जिन पेजेट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थीरी है, थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन है, थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन है, इन सब थीरीज को आपको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। और जनरली क्या होता है कि हमारे पास पेपर टू के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन सारी बुक्स को प्रीफर करने के अलावा एक बुक आती है जिसमें पिछले 10 साल का पेपर अच्छे से दिया गया है, जो कि मैंने बताया जीके पब्लिकेशन वाली बुक, और उसके अलावा एक श्री एजुकेशन एंड पब्लिकेशन की एडल्ट एजुकेशन की बुक आती है, अप्रॉक्स 300 की बुक है, आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि पेपर फर्स्ट में हमको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, जैसे केवीएस मैदान की अगर हम लोग बुक ले लेते हैं तो हमारा 60-75% जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर प्लस क्या है कि जैसे कम्युनिकेशन का पार्ट आता है उसमें, और मैथ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखने के लिए कोई फॉलो कर लें। दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन पोर्शन एज ए एक्सटेंशन स्टूडेंट ऑलरेडी वो चाहे इंस्टेंट और प्रस्तुति में बुक फॉलो कर रहे हैं हमने, या कोई भी उनके पास बुक हो गई जैसे आपने अभी ग्लिम्स उसको रिकमेंड किया, तो वहाँ से पोर्शन कवर हो जाए। तो फर्स्ट पेपर में आपको इतना, सेकंड पेपर में जैसे सर ने जीके पब्लिकेशन को फोकस किया, इग्नू के नोट्स को फोकस आपने किया, ग्लिम्सेस को फोकस किया, प्लस आपने जो भी अभी सीरीज के बारे में बताया, थ्योरीज के बारे में, थ्योरीज को जैसे क्या है कि स्टूडेंट अगर आप एक्सटेंशन से हो तो लाइब्रेरी में अपने डिपार्टमेंट की या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो रूरल सोशियोलॉजी चितम्बर सर की बुक आती है जिसमें आपको टोटल थ्योरीज मिल जाएंगे जो भी आपकी सोशियोलॉजी की थ्योरीज, तो ये आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा क्या, जैसे सर ने आपने इसको पूरा बता दिया, हम लोग देखते हैं जैसे कोई बिगनिंग स्टूडेंट है मास्टर में है, या उसके माइंड में ये आता है कि मुझे यूजीसी नेट का जेआरएफ क्लियर करना है और मुझे जेआरएफ से अपनी पीएचडी करना है, या मुझे यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो वो बिगनिंग अगर करना चाह रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करे, इसको आप बताएं। बिगिनर्स के लिए ये है कि आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा एक्सटेंशन एजुकेशन का, ना सिर्फ एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट एंड सोशियोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक्स जो हैं उन पे आपको ध्यान देना होगा, आपकी क्या खुद का आप स्वॉट एनालिसिस करिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उसके बेस पे आप जाइए पहला। दूसरा काम आप सिलेबस के थ्रू ही जाइए, सिलेबस पहले डाउनलोड करिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका डिसीजन आप में डिसीजन एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसलिए आप सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। उसके लिए आप बुक्स एलिमेंट्री जो एक्सटेंशन की बुक्स आती है, चाहे जी एल रे की बुक हो गई, श्रुति हो गई, और अभी न्यू ट्रेंड में बहुत अच्छी बुक चल रही है ग्लिम्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने बताया, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, उससे आपके फंडामेंटल्स, डेवलपमेंट स्कीम्स और न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। जैसे सर हमारे क्या जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है या जो स्टूडेंट अभी स्टडी करता है जिसका क्लियर नहीं, तो उसके माइंड में आता है कि कितने आवर्स पढ़े, जैसे आप सक्सेस हुए भी, आपको सक्सेस आपको मिली है, आप जेआरएफ और नेट दोनों क्वालिफाई हैं, तो अब यहाँ क्या कुछ हावर्स का बाउंडेशन आता है क्योंकि हर स्टूडेंट के माइंड में आता है, तो क्या आपने इसको अपने आप को बाउंड रखा, या जब भी आपको समय मिला, क्योंकि आप पीएचडी स्टूडेंट भी हैं और आप एज ए अकेडमिक में, क्योंकि पीएचडी में आपको एग्जाम रिसर्च के साथ आपने मैनेज किया,
तो ये कैसे मैनेज करेगी स्टूडेंट, आप इसको बताइए। जनरली होता ऐसा है कि हर स्टूडेंट का अपना पोटेंशियल होता है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई स्टूडेंट बहुत देर तक पढ़ सकता है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। मेरा स्ट्रेटेजी ये रहा है कि मैंने सिलेबस को पेपर वन को अलग और पेपर टू को अलग बांट के रखा था कि मुझे वीक में 3 दिन पेपर वन ही पढ़ना है और 4 दिन पेपर टू पढ़ना है। उसके हिसाब से 3 to 4 आवर्स मैं डेली पढ़ता था और जो भी मैंने बुक बताया उसी को मैंने फॉलो किया है। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपको सही लगे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, लास्ट में एग्ज़ाम जब करीब आता है, जैसे जून में एग्ज़ाम होने हैं, 10 जून से 21 जून तक डेट आ गया है होने हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि अप्रैल, मिड अप्रैल से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप उसको 6 घंटे कर सकते हैं, 7 घंटे कर सकते हैं, ये आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। सर, हम लोग जैसे लास्ट में क्वेश्चन ऑन करेंगे, क्योंकि UGC नेट का जो पैटर्न है या एग्ज़ाम, क्योंकि आप भी शायद मुझे लगता है दो इसके पहले दो अटैम्प्ट दौड़ दिए हैं। मैंने तीन अटैम्प्ट तीन अटैम्प्ट आपने दिए, तो ये नहीं होता जैसे कोई भी स्टूडेंट बिगिनर है या आप एग्ज़ाम अगर UGC नेट का दे रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना अगर आपको निकलना। इसके बारे में होता है क्योंकि स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके माइंड में क्योंकि सिक्योर रहता है मेरा निकलने वाला। अगर क्या है कभी कभी ऐसे अलग बाई चांस होता है कि आपको नहीं निकलना है तो भी आपको कंसिस्ट रहना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसी नेट का जो है कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर, सर आप बताएं कैसे सिक्योर रहती नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रहना है और उससे बड़ी चीज़ है खुद पे आपको ट्रस्ट करना, हाँ ट्रस्ट करना है, विश्वास बना के रखना है और पेशेंस बना के रखना है। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिलेबस के बाहर भी आती है, वही और उसमें स्टूडेंट पैनिक कर जाता है और अपना जो तीन घंटे होते हैं उसको उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें कि वो अपना पेशेंस बना के रखे। आप जितना अच्छे धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे आप बेहतर कर ले जाएंगे। आप एक अटेम्प्ट दें, अगर आपको कहीं कमी लग रही है तो आप उसका एनालिसिस करें कि आपकी कमी कहाँ रह जाती है। आंसर की जब रिलीज होते हैं तो उस टाइम आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है, उसका PDF आप डाउनलोड करके रखिए। आप देखिए कि आप कहाँ कम रह गए हैं, कहाँ कमी रह गई है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी आपके वीकनेसेस हैं उस पर आप काम करिए, आप बेहतर करेंगे। सो थैंक यू सर, जैसे कि आपने इतने इजीली में जितने भी पॉइंट थे सबको डिस्कस किया। आई होप जो भी आपके डाउट होंगे या कुछ आपका जो भी अगर कुछ आपका डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, सर उस पर रिप्लाई करेंगे। तो जितने भी ये सेशन एक्चुअली क्या मेरा रिकॉर्ड करने, क्योंकि UGC नेट में जो एक्सटेंशन के स्टूडेंट आते हैं या जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, उनको एक अच्छा गाइड नहीं मिलता या उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करना, तो ये वीडियो स्पेशली उसी को डेडिकेटेड था। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।